113 रुपए किलो, LPG 170 रुपए से 180 रुपए किलो क्यों फरोख्त की जा रही है? अवामी रिक्शा यूनियन आज LPG माफिया के खिलाफ नैब ऑफिस के सामने धरना देगी। धरने में अवामी रिक्शा यूनियन, अवामी पासवान और घरेलू सार्फीन बर्तन उठाकर शिरकत करेंगे। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी कहते हैं कि बर्तनों को ढोल की तरह बजाकर एहतजाज किया जाएगा। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, उम्मीदवार 8 से कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 21 दिसंबर को होगी। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 28 दिसंबर को जारी की जाएगी। 12 जनवरी को लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल सजेगा। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, माली फवायद हासिल करने और मनपसंद अफराद को नवाजा गया। आशान इकबाल केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। नैब ने अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली के खिलाफ 100 से जायद सफात पर मुश्तमिल रेफरेंस तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। खोखर बरादरान के गिर्द घेरा तंग, LDA और रेवेन्यू बोर्ड ने खोखर बरादरान की जमीनों का रिकॉर्ड तैयार कर लिया। पुलिस ने भी LDA और रेवेन्यू बोर्ड का तैयार करदा रिकॉर्ड मांग लिया। लाहौर का व्हाइट हाउस खतरे में, जौहर टाउन में अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर की रहायशगाह खोखर पैलेस गैर कानूनी होने का इंकशाफ। LDA कंट्रोल्ड एरिया में बगैर मंजूरी तामीरात की गई। लाहौर न्यूज ने हकायक से पर्दा उठा दिया। चीफ जस्टिस के अहकाम के बाद LDA की इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट तैयार। खोखर पैलेस के बिलमुकाबिल सरकारी राजी पर कब्जे का मामला, LDA का जौहर टाउन में ऑपरेशन, सैकड़ों कनाल सरकारी राजी वागुजार करवा ली गई। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर ब्लॉक में वाके 1000 कनाल राजी, बजाहिर नजर आने वाली झुग्गियां कीमती सरकारी राजी पर कब्जा करने की आड़ में पहले मरहले के तौर पर लगाई गई। LDA बासर अफराद को झुग्गियों का किराया अदा करते हैं मकीन। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और डिप्टी मेयर वसीम कादिर की होने वाली आपसी बदमस्की का नतीजा, पार्टी में एक और दरार। वसीम कादिर ने भी नून लीग को खैराबाद कह दिया। माजा क्या हुआ, पहले हमजा शहबाज से पूछें, वो हकीकत नहीं बताएंगे तो मैं बोलूंगा, वसीम कादिर। हमजा शहबाज ने 40 बल्दियाती नुमाइंदों की मौजूदगी में बरहम होते हुए वसीम कादिर को पानी की बोतल दे मारी थी। जाली FI इंस्पेक्टर गिरफ्तार, शादमान के करीब वार्डन ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को रोका। मोटरसाइकिल सवार ने फोन कॉल करके मुलजिम को बुला लिया और वार्डन्स पर असलहा तान दिया। मुलजिम खुद को FIA का इंस्पेक्टर जाहिर करने लगा। छानबीन के बाद मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड निकला। पुलिस ने मुलजिम से असलहा और गोलियां भी बरामद कर ली। क्रिसमस बड़ा त्यौहार, मसीही बरादरी खुशी से सरशार। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान भी मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक। नियामीर कॉलोनी में तकरीब के दौरान क्रिसमस का केक काटा। कहते हैं नए बल्दियाती निजाम में अकलियतों के लिए मखसूस नशिस्तें होंगी। तीन माह कब लापता होने वाली 30 साल नीलम की लाश मिल गई। SP सदर अली रजा ने बताया कि शोहर आरिफ ने दूसरी बीवी सकीना से मिलकर नीलम को कत्ल किया और लाश घर के सहन में दफन कर दी। घरेलू झगड़े पर छुरियों के वार करके नीलम को कत्ल किया। इंटरनेशनल हॉकी की 14 साल बाद पाकिस्तान वापसी, नेशनल हॉकी स्टेडियम में इंटरनेशनल हॉकी सीरीज ओपन का मेला सज गया। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की खसूसी शिरकत, इफ्तिताही मैच में उज़्बेकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान को 11 गोल से शिकस्त दी, जबकि पाकिस्तान ने नेपाल के साथ दोस्ताना मैच 9-0 से जीत लिया।